गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज क्लास फॉर क्लास सेवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज. सो ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 26, जिसमें आप लोग का चैप्टर 5 दिया हुआ है एडजेक्टिव. द एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. ठीक है, एक सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन हमारा दिया रहता है उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, या कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. सम एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव्स आर हाई, क्लेवर, गोल्डन, ड्राई, हैवी, लेजी, रूड, मच, एक्सेट्रा. ठीक है, एडजेक्टिव्स कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई, क्लेवर, गोल्डन, ड्राई, ये सारे क्या है, हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं. अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं. आई हैव एनफ मनी. ठीक है, जैसे मेरे पास काफ़ी पैसे हैं. मनी क्या है, हमारा नाउन है और मनी कितने हैं वो कौन वर्ड बता रहा है, एनफ. इसलिए एनफ हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. दिस हाउस हैज़ 20 रूम्स. रूम्स हमारा क्या है, नाउन है. जगह के बारे में बात की जाए तो नाउन है. वो कितने हैं या कैसा है, अगर बिग रूम्स लिखा रहता दिस हाउस हैज़ बिग रूम्स तो वो बिग भी क्या हो जाता, हमारा एडजेक्टिव हो जाता. क्यों, क्योंकि वो रूम्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, कि रूम के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने रूम्स हैं, 20 रूम्स हैं, तो 20 क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे. उसके बाद है नो योर पोजीशन. ये आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग इसको खुद से करोगे. ठीक है, इसके बाद है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. कितने काइंड्स होते हैं, फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, नाम से पता चल रहा है अगर वो जो भी वर्ड है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के जो भी वर्ड्स हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, एक पर्सन या थिंग, मतलब जो भी हमारा नाउन है उसकी क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसा है, वो गोरा है, काला है, लंबा है, बड़ा है, कैसा है, वो उसकी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है. एग्जाम्पल में विराट कोहली इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. अब क्रिकेटर क्या है, हमारा नाउन है. नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी. क्रिकेटर कैसे क्रिकेटर हैं, ग्रेट, बहुत महान, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं. तो ग्रेट क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. शी हैज़ गोल्डन हेयर. हेयर क्या है, हमारा नाउन है. अब हेयर कैसे हैं, उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, जो वर्ड है गोल्डन, मतलब गोल्डन कलर के उसके हेयर्स है. गोल्डन क्या है, हेयर की क्वालिटी है, इसलिए गोल्डन क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. द एडजेक्टिव ग्रेट, गोल्डन, पुअर एंड लास्ट टेल अस द क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर, हेयर, मैन एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. मतलब जो वर्ड है ग्रेट, गोल्डन, पुअर, लार्ज, ये सारे क्या है, क्रिकेटर, हेयर, मैन, एनिमल के क्वालिटीज़ बताई गई हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मे बी यूज्ड एज. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो दो तरह से यूज़ किया जा सकता है. जैसे अट्रीब्यूटिव टाइप, ही लिव्स इन अ स्मॉल सिटी, दिस इज़ अ ब्लैक हॉर्स, शी इज़ एन ओल्ड वुमेन. यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रीब्यूटिव यूज़, मतलब जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, नाउन का यूज़ कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे अट्रीब्यूटिव यूज़. प्रेडिक्टिव यूज़ क्या होता है, जब हम किसी नाउन के बारे में तो बात कर रहे हैं लेकिन उसका जो एडजेक्टिव है वो हम बाद में लिखते हैं. जैसे हिज सिटी इज़ स्मॉल, उसकी सिटी, सिटी क्या है, हमारा नाउन है. नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे है, उसकी क्वालिटी कैसे बताई जा रही है, स्मॉल. तो यहाँ पे स्मॉल के बाद सिटी नहीं लिखा है, एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे नाउन की बात की जा रही है और उसकी एडजेक्टिव भी बताई जा रही है. द हॉर्स इज़ ब्लैक, यहाँ पे हॉर्स क्या, हमारा नाउन है. हॉर्स के बारे में बात की जा रही है लेकिन हॉर्स के पहले, नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव नहीं लगा, ये बाद में एज अ प्रेडिकेट लगा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर सिंपल है, अगर हम नंबर ऑफ पर्सन या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या बता रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, वी हैव गॉन टू आगरा सेवरल टाइम्स, हम कई बार जो है आगरा जा चुके हैं. तो यहाँ पर टाइम्स क्या है, हमारा नाउन है, उसके बारे में बता रहा है कि कैसा है, सेवरल, सेवरल टाइम्स हम जा चुके हैं, काफ़ी टाइम जा चुके हैं, तो इसलिए सेवरल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नाउन. थ्री वुमेन केम टू द जज, वुमेन क्या है, हमारा नाउन है और थ्री जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए थ्री क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, वो भी क्वांटिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की. ठीक है, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन है वो कितना है.
एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी क्या बताता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो कितना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम क्या करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसकी क्वांटिटीज हम बता सकते हैं। जैसे फूड, फूड आइटम्स को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन फूड को हम काउंट नहीं कर सकते। अब फूड में चावल भी हो सकता है, अब जैसे चावल को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। उसके बाद जैसे शी हैज सम वीट, वीट जो है वो गेहूं के बारे में बात की जा रही है। अब गेहूं को हम क्या कर सकते हैं? अब एक या दो के पीस में तो हम खरीदते नहीं उसको, एज अ केजी वाइज हम खरीदते हैं उसको ना, तो हम क्या करते हैं उसकी क्वांटिटी के वाइज हम लोग उसको खरीदते हैं। तो इसलिए ऐसे सामान या ऐसे नाउन जिसकी हम क्वांटिटी समझते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखेंगे। क्योंकि सम, मच, ऑल ये सारे किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी आते हैं, और सम, मच, ऑल ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी हमारे नाउन हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे टाइम्स को हम काउंट कर सकते हैं। वुमेन, अगर औरतें खड़ी हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। वॉचेस अगर खड़े मतलब हैं, वॉचेस रखे हुए हैं तो भी हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। चांसेस, रुपीज़, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है? काउंटेबल नाउन को कंसिडर किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन को कंसिडर किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सबको पता है, पॉइंट आउट करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। जैसे दीज, दोज, दैट, दिस, ये सारे क्या है, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट भी हम लोग अगर देखें, दे डोंट लाइक सच थिंग्स। अब कुछ थिंग्स रखे गए हैं, अब उन्हीं थिंग्स के बारे में बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर कुछ थिंग्स के बारे में बात की जा रही है, तो उस चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। वी आर इन द सेम कंपनी, एक कंपनी है, उसी कंपनी को हम पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि हम दोनों जो हैं इसी कंपनी में काम करते हैं। तो सच, सेम, दीज, दोज, दीज, दैट, दिस, ये सारे क्या हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है उसके बाद हमारा नाउन लगेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे दिस इज़ माई वॉच, इसमें क्या है? दिस इज़ माई वॉच में क्या है? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं लगा है। लेकिन दिस वॉच इज़ माइन, ये क्या हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है दिस, इसके बाद हमारा नाउन लगा है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर टू ईच वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन एट अ टाइम। मतलब अगर ग्रुप ऑफ चीज़ें दी गई हैं उसमें से एक का यूज़ अगर हम करते हैं, एक को एक टाइम पे कंसीडर करते हैं, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे नाइदर स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत सारी स्टोरी सुनाई गई होंगी, उसमें से कोई भी जिसने भी मतलब ये कहा, जैसे मान लो मैंने कहा नाइदर स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, कोई भी स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं थी, इसका मतलब मैंने एक स्टोरी नहीं पढ़ी होगी, काफ़ी स्टोरीज पढ़ी होंगी और मैं उसमें से एक एक को कंसिडर कर रही हूँ कि एक भी स्टोरी ऐसी नहीं थी कि जो इंटरेस्टिंग हो। शी ड्रिंक मिल्क एवरी डे, अब डे तो है मतलब मैं तो रोज़ पीती हूँ, मान लो महीने हैं, एक वन मंथ है, वन मंथ की अगर बात की जाए तो 30 डेज हैं उसमें, लेकिन एवरी डे जहाँ पे हम यूज़ कर दे रहे हैं तो मतलब एक एक दिन, मतलब पर डे जो है हम क्या करते हैं, मिल्क जो है वो ड्रिंक करते हैं। ईच मैन हैज़ इट्स ओन ओपिनियन, मैन जो है मान लो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, वहाँ पे जितने भी आदमी हैं वहाँ पे सबने अपना अपना ओपिनियन रखा और मैंने बोला ईच मैन हैज़ हिज ओन ओपिनियन। वो सारे लोग जितने हैं, मान लो 10 लोग अगर खड़े हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, मतलब एक एक को मैंने कंसिडर किया कि हर एक इंसान का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। यहाँ पे भी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो सिंपल है कि कभी भी हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसके बाद हम नाउन का यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है। जैसे आइदर साइड ऑफ द गेट, ठीक है, यहाँ पे साइड है हमारा नाउन, तो आइदर जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे बो ड्रेसेस आर सो आर नाइस सो आई कैन वियर आइदर, तो आइदर क्या है यहाँ पे? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी हमारा नाउन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सो टेक सिंगुलर वर्ब, अगर सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है तो वर्ब भी उसका सिंगुलर ही होता है, ठीक है। जैसे
ईच लेट्स गोज़ टू जयपुर, ठीक है। अब हम अगर देखेंगे, अगर भले यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो क्या है, अगर हमारा प्लूरल होता है, लेकिन फिर भी हम गोज़ का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईच, एक की, मतलब जितने भी लीड्स हैं, जितने भी रोड्स हैं, उसमें से एक एक की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे हम जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सबको पता है, जिस भी सेंटेंस से हमें ये पता चले कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कैसे वर्ड से व्हाट विच हुज व्हेन एक्सेट्रा, तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सेम डिफरेंसेस है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में वर्ड्स के बाद, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद हमारा नाउन लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद हमारा नाउन नहीं लगता है। सेवेंथ है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिससे हमें क्या हो, अपनत्व या पजेशन शो करे, उसको हम क्या कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जैसे योर, हर, एक्सेट्रा, ठीक है। योर वॉच नीड्स रिपेयरिंग, दैट इज़ योर आइडिया, दिस इज़ हर ड्रेस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वॉच की बात की जा रही है जिस पे किसका अधिकार है, योर, आपका अधिकार है, ठीक है। योर मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, और उसका पजेशन किस पे शो कर रहा है, वॉच पे, कि वो वॉच किसका है, उनका है। That is your idea, किसी एक idea की बात की जा रही है, और उस idea पे किसी का possession अपना तो show कर रहा है कि वो idea किसका है, आपका है। That is her dress, एक dress की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो dress किसका है, एक लड़की का है, उसका उस पर अपनत्व शो कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एडजेक्टिव, ये भी सेम है। पोजेशन एडजेक्टिव में क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में यहाँ पे एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज़ नहीं करते। जैसे दैट इज़ नॉट माई चेयर, यहाँ पे जो माई है वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद चेयर लगा के हमने इसे क्या बना दिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये माई क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, माई माइन, ये सारी क्या है, हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव वर्ड के बाद हमारा नाउन लग जाता है तो वो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और अगर पॉजिटिव वर्ड के बाद कोई भी नाउन नहीं लगता है तो वो जाएगा हमारा पॉजिटिव नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन, दस दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर ऐसे एडजेक्टिव, ठीक है, जो प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बताए, जैसे जापानीज, जापान क्या है, जापान जो है, ठीक है, वो दुनिया में तो एक ही है, बहुत सारे तो जापान है नहीं, तो किसी एक पर्टिकुलर देश की बात की जा रही है, पर्टिकुलर देश के लोगों की बात की जा रही है, ठीक है, या वहाँ की चीज़ों की बात की जा रही है, तो जापान क्या है, एक ही है। इंडियन सोल्जर्स, अब इंडियन जो सोल्जर्स हैं, तो वो जो जितने सोल्जर्स इंडिया के हैं उन्हीं को सिर्फ इंडियन सोल्जर्स कहा जाएगा, बाकी दूसरे देश के जो सोल्जर्स हैं उन्हें तो इंडियन कहा नहीं जाएगा। तो सेम एज इट इज़, जब हम किसी प्रॉपर नाउन के हेल्प से एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं तो हम उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आई एन्जॉयड द जापानीज फूड, जापान क्या है, हमारा जापानीज क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, तो उससे हमने एडजेक्टिव फॉर्म किया। आई वॉन्ट टू विजिट जापान, आई वी लव इंडियन सोल्जर्स, वी आर इंडियंस, ठीक है। ये क्या है, जापान यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, जापान की हेल्प से हमने प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनाया, जापानीज। इंडियंस क्या है, प्रॉपर नाउन है, उससे हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया क्या, इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग का जो चैप्टर है वो ओवर होता है, ठीक है। इसका जो एक्सरसाइज है वो और क्वेश्चन आंसर आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।